अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक में शामिल होंगे। धनखड़ के अलावा कैप्टन अभिमन्यु, विपुल गोयल, कृष्णलाल पवार, रणवीर गंगवा, किरण चौधरी, भव्य बिश्नोई, अभय यादव, एडवोकेट वेदपाल और सुनीता दुग्गल समेत 14 सदस्य इसमें शामिल होंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे समिति के सदस्य पहुंचेंगे। चुनाव में पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा की जाएगी। आज भाजपा के घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाया जा सकता है। बड़ी खबर बता रहे रोहतक से, जहां आज बीजेपी घोषणा पत्र समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। गौरतलब है कि इसको लेकर एक रथ भी रवाना किया गया था और जो लोगों के बीच जा रहा है, जनता से सुझाव ले रहा है। जैसा कि बीजेपी ने यह दावा किया है कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे इस बार चुनावों में शामिल किए जाएंगे और उसी के मद्देनजर इस समिति की आज बैठक है। 14 सदस्य इस समिति के एक साथ जुटेंगे और घोषणा पत्र को आज बताया जा रहा है कि अमली जामा भी पहनाया जा सकता है। तकरीबन 11 बजे ये बैठक शुरू होने जा रही है। और अपने उम्मीदवारों की सूची के साथ भाजपा अपना घोषणा पत्र भी बहुत जल्द जारी कर सकती है, ये माना जा रहा है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज मीटिंग है। पार्टी कार्यालय मंगल कमल में ये बैठक आयोजित की जानी है। 11 बजे ये बैठक रखी गई है और अमली जामा आज पहनाया जा सकता है घोषणा पत्र को। बड़ी खबर बता रहे हैं, समिति के अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक में शामिल होंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उनके अलावा कैप्टन अभिमन्यु, विपुल गोयल, कृष्णलाल पवार, रणवीर गंगवा, किरण चौधरी, भव्य बिश्नोई, अभय यादव, एडवोकेट वेदपाल और सुनीता दुग्गल समेत 14 सदस्य इस बैठक का हिस्सा होंगे। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। चुनाव में पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा की जाएगी कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए और अपने घोषणा पत्र में किन मुद्दों को सम्मिलित किया जाए, उसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और बहुत जल्द उम्मीदवारों की सूची के साथ ही भाजपा अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है और इसी को लेकर आज पार्टी कार्यालय मंगल कमल में ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। तो लगातार भाजपा में बैठकों का सिलसिला जारी है।